तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्गियों का घर जो है मुकम्मल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पे मुर्गियाँ रखना चाहता हूँ और मुर्गियों के लिए सबसे पहले उनका घर बनाना जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले मुर्गियों के लिए घर बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। पहले मैं इस तरफ शुरू करने लगा था, लेकिन अभी प्लान जो है वो चेंज कर लिया है, ओवन के साथ ही बना लेंगे। यहाँ पे दरमियान में दरवाज़ा रखना है, तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजे के इस तरफ खिड़की बनेगी इसमें, और दरवाजा जो है वो इस तरफ को खुलेगा और मुर्गियां उस तरफ जाएंगी खेतों की तरफ, क्योंकि अगर सुबह सुबह खुलते हुए उन्होंने पोटी करनी होती है तो वो खेतों की तरफ जाके करेंगी, किचन में ना जाएं। अब दरवाजे की जगह बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह
तो अल्हम्दुलिल्लाह दीवारें जो हैं वो मुकम्मल हो गई थी और तकरीबन 3 दिन के लिए दीवारों को सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब छत का इंतज़ाम कर लेंगे। तो छत पे ये काने जो है ये यहाँ से काटेंगे, ये डालेंगे छत के ऊपर। ये देखें, ये छोटे छोटे कांटे हैं, हम पंजाबी में कसूनी बोलते हैं। ये बहुत चुभते हैं और बहुत ही बारीक होते हैं। इन्हीं की खड़ की रस्सी बना ली जाती है और दो जगह से बांधा जाता है। कई दफ़ा तो 3-3 जगह से भी बांध लेते हैं। अगर पूला बड़ा हो तो फिर 3 जगह से बांध लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जगह छोड़ी हुई है ये खिड़की के लिए, ग्रिल के लिए छोड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये कानों से ग्रिल बनाई जाएगी इनसे। इनका छिलका उतार लेंगे। 4-5 काने जो हैं वो लगेंगे ग्रिल में या 6-7 लग जाएंगे, बाकी जो है वो छत पे इस्तेमाल होंगे। उनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रिल के लिए। Thank you.
इसकी चौड़ाई तकरीबन 4 फीट है और जो लंबाई है वो 6 फीट है और ये हम दरमियान में रख देंगे। बिस्मिल्लाह। 53 इंच है जो हमने घर बनाया उसका साइज, तो 53 इंच पे काट लेंगे इसको। बिस्मिल्लाह। बराबर कर लेंगे ताकि साइज एक जैसा जो है वो कटे। सुबह लपाई करनी है इस पे, तो मिट्टी जो है वो सेट हो जाएगी। पानी इसलिए लगा रहा हूँ। अब समझ लें पॉलिश करनी है, सफाई वाली मिट्टी लगानी है।
कि हम गांव दूसरे गांव जा रहे थे चूजे लेने के लिए, तो भाई हमें रस्ते में ही मिल गए जी। हम भी कर दियो मेनू जी तो मिल जी। तो ये देसी मुर्गियां हैं, तो एक चूजा जो है वो 100 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्गियों का घर जो है मुकम्मल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह चूजे भी हम ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चूजों की खुराक बिस्मिल्लाह, बाजरा, और पानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी के गिर्द ज्यादा हुए हुए हैं, पानी और रख देंगे। सारा दिन असल में दाने इनको मिले हैं, पानी नहीं मिला है। पहले वाला जो पानी है ना वो गंदा हो गया था, और पानी ज़्यादा रखना भी नहीं है क्योंकि भीग रहे हैं ये पानी में, और पी लिया सब ने पानी, ये फिर भी पी रहे हैं। तो एक प्लेट जो है वो पानी की बस रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह की सुपुर्द करेंगे ने। दाने भी रख दिए, पानी भी रख दिया, और अब कुछ मुख्तलिफ नस्लों के मुर्गियां और मुर्गे जो है वो ला के रखे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़े वाले भी, चूँकि इनका घर जो है वो काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा घर बन चुका है। 6 फिट अंदर से लंबाई है और 4 फिट अंदर अंदर से चढ़ाई है। तो ऐसा घर जो है मुर्गियों का बचपन में हमारे घर में बना हुआ था, ये जाली भी ऐसे ही बनी हुई थी, वो इससे प्यारा था। हाथ की सफाई अम्मी जान ने खुद बनाया था, उनकी बहुत ज़्यादा मिट्टी के काम में। तो आप लोग बताइएगा घर कैसा बना है, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये वाली जो जगह है ना, इसको फ़िलहाल जो है वो गत्ते से बंद कर देंगे ताकि हवा जो है ना ये कम से कम अंदर अभी जाए, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है, इतना ठंडा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा है, और चूज़े जो हैं वो छोटे हैं, तो हवा यहाँ से जो अभी जाएगी तो वो रुक जाएगी।